गांजा बेचता है ना, अच्छा तुझे मैंने क्या बोला? मैंने इसको अभी बोला। कानपुर में रायपुरवा में बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी का मामला अभी शांत नहीं हो पाया। अब चकेरी में एक और बीजेपी पार्षद की दबंगई का वीडियो सामने आया है। दुकानदार ने पार्षद और उनके साथियों से सिगरेट के रुपए मांग लिए तो पारा चढ़ गया। दुकानदार और उनके बेटे को गाली गलौज के साथ पीटा। इसके बाद गांजा बेचने का आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दी। इन सबका वीडियो दुकानदार की पत्नी को बनाते देख उसके साथ बदतमीजी की और मोबाइल भी छीन लिया। दबंग पार्षद के डर के चलते पीड़ित ने थाने में शिकायत नहीं की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चकेरी के सानी गनवा तिरंगा चौराहे पर अजय गुप्ता की परचून की दुकान है। अजय ने बताया कि उनके दुकान पर रविवार भोर करीब 4 बजे भाजपा पार्षद भवानी शंकर राय वार्ड नंबर 62 नशे में धुत कई दोस्त सिगरेट खरीदने पहुंचे। आरोप है कि पहले तो जबरन दुकान खुलवाकर सिगरेट ली। 30 रुपए की सिगरेट के सिर्फ 15 रुपए देकर जाने लगे। दुकानदार ने इसका विरोध किया तो फिर क्या था, दबंगों ने मिलकर पीट दिया। कुछ देर बाद भाजपा पार्षद भवानी शंकर राय अपने भाई भीमा शंकर और अन्य के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बेटे को गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान दबंग साथियों ने कई राउंड दुकानदार और उनके बेटे को पीटा। इसके बाद दुकानदार को गांजा बेचने का आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दी, जबकि दुकानदार बार बार माफी मांगते रहे, लेकिन पार्षद और दबंगों ने एक नहीं सुनी। पत्नी ने पार्षद की दबंगई का वीडियो बनाने की कोशिश की तो उससे भी बदतमीजी करते हुए मोबाइल छीन लिया। सूचना पर चकेरी थाने की पुलिस भी पहुंची, लेकिन बगैर कोई कार्रवाई किए मौके से लौट गई। भाजपा पार्षद भवानी शंकर राय का कहना है कि दुकानदार पूरी रात दुकान खोलकर मादक पदार्थ की बिक्री करता है। दुकानदार ने कस्टम के एक अधिकारी के साथ मारपीट की थी, जिसकी जानकारी होने पर वो समझौता कराने के लिए गए थे। उन्होंने किसी के साथ मारपीट नहीं की। चुनावी रंजिश के कारण उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। चकेरी के भाजपा पार्षद भवानी शंकर राय सतीश महाना गुट के हैं। यशोदा नगर के पार्षद पति अंकित गुप्ता के बाद अब महाना खेमे के ही दूसरे पार्षद की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। भवानी शंकर राय की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई पार्टी को कोस रहा है तो कोई कह रहा है कि इस तरह के गुंडों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ये लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4PM न्यूज नेटवर्क।